परिवार पहचान पत्र में त्रुटि सुधार का 3 दिवसीय कैंप शुरू। शिविर में जन्मतिथि सत्यापन के लिए दस्तावेज अपलोड, फैमिली आईडी, वोटर कार्ड मैपिंग के होंगे काम। परिवार पहचान पत्र में त्रुटि सुधार के लिए 3 दिवसीय कैंप 28 अप्रैल से शुरू हो गया। इस दौरान जिले में 182 शिविर लगेंगे, जहां पर आमजन परिवार पहचान पत्र में आई गलतियों को ठीक करवा सकेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप लगेंगे। नगर निगम एरिया में 48 कैंप, रोहतक ब्लॉक में 43 कैंप, कलानौर नगर निगम पालिका में 3, कलानौर ब्लॉक में 23 कैंप, महम पालिका में 4 कैंप, महम ब्लॉक में 25 कैंप, लाखन माजरा ब्लॉक में 13 कैंप, सांपला नगर में 3 कैंप, सांपला ब्लॉक में 20 कैंप लगाए जाएंगे। शिविर 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को भी लगेंगे। इस संबंध में परिवार पहचान पत्र जिला मैनेजर सुमित कुमार ने बताया कि कैंप में जन्मतिथि सत्यापन के लिए दस्तावेज अपलोड, फैमिली आईडी, वोटर कार्ड मैपिंग, दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड, सिंगल फैमिली आईडी अपलोड एवं आय के अलावा अन्य त्रुटि सुधार किए जाएंगे। वार्ड नंबर 1 जीपीएस सैनिक कॉलोनी जीएमएस लाल बहादुर शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 2 जीजीपीएस इंदिरा कॉलोनी नज़दीक ओल्ड पुलिस चौकी, ये कैंप लगेंगे रोहतक के अंदर।